नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सितंबर माह के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसमें फर्स्ट वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीक में क्या क्या घटनाक्रम हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, बहुत यह तस्वीर है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है दोस्तों, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत नेवी में कमीशन कर लिया, भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है ये। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। ये कहाँ हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यक्रम हुआ केरल के कोचीन में और भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत को शामिल कर लिया। इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्वदेशी तकनीक से भारत ने स्वयं विकसित किया, इंडिजीनियस तकनीक से आईएनएस विक्रांत को भारत ने, एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया गया है। भारत अमेरिका, चाइना, फ्रांस जैसे अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वयं के एयरक्राफ्ट करियर हैं जैसे भारत में आईएनएस विक्रांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, और इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी कोचीन में जो दोस्तों, और कोचीन तट पे ही देश को, मतलब भारतीय नौसेना को में यह शामिल हुआ। भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों, यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ऑप्शन दिए गए हैं मुकेश अंबानी, एन नारायण मूर्ति, गौतम अदानी और अजीम प्रेम जी। तो दोस्तों, हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडेक्स बिलियनर्स इंडेक्स की सूची जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर रहे एलन मस्क जिनकी कंपनी है टेस्ला, इनकी कुल संपत्ति है 251 बिलियन। दूसरे स्थान पर रहे जेफ वेजोस, अमेज़न इनकी कंपनी का नाम है, 153 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इनका स्थान दूसरा रहा। भारत के पहले और विश्व के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी की कुल संपत्ति आंकी गई है 137.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये इनकी संपत्ति की, दुनिया के 500 लोगों की संपत्ति के आधार पर यह सूचकांक न्यूयॉर्क से जारी किया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार जारी किया गया है और गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मुकेश अंबानी रिलायंस समूह से संबंधित हैं, इनकी संपत्ति आंकी गई है 91.1 मिलियन। 11वां स्थान प्राप्त हुआ मुकेश अंबानी जी को। एन नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अजीम प्रेम जी, इन्हें इस सूची में 47वां स्थान दिया गया है और इनकी कंपनी का नाम है विप्रो, विप्रो समूह के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आदिल सुमरीवाला, नरेंद्र बत्रा, सौरभ गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था नरेंद्र बत्रा ने और उनका स्थान ले लिया है आदिल सुमरीवाला ने। सौरभ गांगुली की बात करें तो ये वर्तमान में BCCI पूर्व भारतीय कप्तान हैं और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं सौरभ गांगुली। IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या IOA की बात कर लें दोस्तों, वर्ष 1927 में ये फाउंडेड हुआ और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर ओलंपिक खेलों की नियामक संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके स्थापना हुई थी वर्ष 1894 में, 1894 में। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड। थॉमस बाक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के खिलाड़ियों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के खिलाड़ियों को ये
छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, राजा जी, जिम कॉर्बेट जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 फाइनल में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं विक्टर एक्सेलसन, अकाने यामागुची, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया और इसमें सिंगल्स फाइनल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। जब ये मेंस में जीता है, विमेंस में जीता है अकाने यामागुची। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसन। ये हैं खिलाड़ी डेनमार्क के, जबकि अकाने यामागुची जापान की महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन, जबकि महिला वर्ग का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेलसन, जबकि अकाने यामागुची जापान की महिला खिलाड़ी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। दोस्तों आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और आयोजित की करता है BWF, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन क्या है दोस्तों? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। स्थापित हुआ वर्ष 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की एस साईराज तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतते हुए इतिहास रचा था, जिस यह प्रश्न हमने पिछले अंक में भी पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है इस दिन। उनकी जयंती को यादगार बनाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2012 से। दोस्तों इस दिन भारत के राष्ट्रपति खेलों से संबंधित पुरस्कार जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे अवार्ड मिलते हैं इस दिन, घोषणा करती हैं राष्ट्रपति जी। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानते हैं दोस्तों, 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। हॉकी के महान खिलाड़ी रहे, बहुत ही शानदार करियर रहा है इनका। ओलंपिक 1928 जो कि आयोजित किए गए थे एम्स्टर्डम में, 1932 तथा 1936, इन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था मेजर ध्यानचंद जी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। तो दोस्तों 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा एवं खेल मामले खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा मीट द चैंपियन पहल की प्रारंभ किया गया है। इस पहल में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी विभिन्न देश के विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और खेल के प्रति युवाओं में जागरूकता को बढ़ाने का काम करेंगे। यह इस पहल का मुख्य उद्देश्य था। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर। कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, जबकि रक्षा मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में स्वच्छ सागर वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री राजनाथ सिंह, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सागर वेबसाइट का अनावरण भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ
जितेंद्र सिंह, अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सागर नामक डेडिकेटेड वेबसाइट का अनावरण किया है। ये अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इस साइट का अनावरण किया गया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जबकि मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीता है, यह मीट कहाँ आयोजित की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नीरज चोपड़ा अगर जुड़ गया है तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जानते हैं, भारत के जाने माने जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब जीत लिया है। लुसाने डायमंड लीग, कहाँ की? लुसाने डायमंड लीग मीट खिताब जीते हो, और इसके साथ ही वह प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी के बारे में बता देते हैं दोस्तों, 31वें टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे अभी वर्ष 2021 में, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। पहला सिंगल गोल्ड जीता था वर्ष 2008 बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में आयोजित किए गए थे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यह खिताब जीता। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में मेडल जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, और यह लुसाने डायमंड लीग मीट प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न प्रदान किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न की राशि होगी दोस्तों 25 लाख रुपए। दोस्तों यह प्रतियोगिता जो डायमंड लीग मीट आयोजित की जाती है, यह आयोजित की जाती है वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स को पहले जाना जाता था दोस्तों IAAF के नाम से, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स खेलों की सर्वोच्च संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक। स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्रप्रहार आयोजित की गई है, और यह 13वां संस्करण था, 13th एडिशन था, हर वर्ष आयोजित की जाती है यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और इस बार आयोजित की गई है हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में। बकलोह क्षेत्र में यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है। बारी बारी से प्रत्येक वर्ष एक दूसरे के देश में होते हैं, जैसे इस वर्ष 13वां एडिशन भारत में हुआ है तो 14वां अमेरिका में होगा, 12वां भी अमेरिका में हुआ। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, इंदर किला, सिम्बालवाड़ा, खिर गंगा तथा पिन वैली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रम दोराईस्वामी, प्रणय वर्मा, नागेश सिंह, सुचित्रा दोराई। तो दोस्तों हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है नागेश सिंह जी को। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे और उन्होंने स्थान लिया है सुचित्रा दोराई का। दोस्तों हमने पिछले अंक में पढ़ा था विक्रम दोराई स्वामी को ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्ति दी गई है, जबकि प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है थाईलैंड से, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और हाल ही में थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे प्रयुत चान ओचा, उन्हें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं संगीत, साहित्य, अर्थशास्त्र या सिनेमा। तो दोस्तों जाने माने कृषि अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन,
योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पूर्व सदस्य रहे, 2004 से लेकर 2014 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। वर्ष 2010 में पद्म भूषण से नवाजे गए डॉक्टर अभिजीत सेन। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे डॉक्टर अभिजीत सेन, और इनका संबंध है इकोनॉमी अर्थशास्त्र से। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में प्लानिंग कमीशन वर्ष 1950 से चल रहा था। पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग कमीशन के द्वारा चलाई जाती थी। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन तथा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाएगा और रिलायंस समूह के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। कार्बन फाइबर को स्टील के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है 20,000 मिलियन मैट्रिक टन, और गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाएगा, रिलायंस समूह के द्वारा स्थापित किया जाएगा। मुकेश अंबानी रिलायंस समूह के चेयरमैन हैं। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात में रानी की बाव, चांपानेर, पावागढ़, धौलावीरा तथा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। गुजरात में गिर, ब्लैकबक, वंसदा तथा रन ऑफ कच्छ जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और चाइना। तो दोस्तों, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है जर्मनी में। एलस्टम कंपनी के द्वारा इस ट्रेन का निर्माण किया गया है और जर्मनी में ये पॉल्यूशन फ्री ट्रेनें होंगी, हाइड्रोजन ट्रेनें। भारत में भविष्य में चलाए जाने की संभावना है, भारत संभावनाएं तलाश रहा है। पॉल्यूशन फ्री ट्रेनें होंगी, हाइड्रोजन ट्रेन, और पहली ट्रेन चलाई गई है जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, और जर्मन जो चांसलर हैं वर्तमान में वह हैं ओलाफ सोल्ज। तस्वीर पे जो दिख रहे हैं ये वर्तमान में जर्मन चांसलर है। दोस्तों, हमने पिछले अंक में पढ़ा था, महत्वपूर्ण तथ्य था, यूनेस्को शांति पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? फॉर्मूला 1 की रेस होती है, बेल्जियम में आयोजित की गई थी F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। ऑप्शन दिए गए हैं मैक्स वर्स्टापन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेज और सेबेस्टियन बेटल। तो दोस्तों, बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन, और यह रेडबुल के खिलाड़ी हैं। इनकी टीम का नाम है रेडबुल, रेडबुल के ड्राइवर हैं। सर्जियो पेरेज जिन्हें दूसरा स्थान मिला है, कार्लोस सेज इन्हें तीसरा स्थान मिला है। सर्जियो पेरेज भी रेडबुल के खिलाड़ी हैं जबकि कार्लोस सेज फेरारी के खिलाड़ी हैं। चौथा ऑप्शन है सेबेस्टियन बेटल। दोस्तों, मैंने आप बताया था पिछले अंक में जर्मनी मूलतः जर्मनी के हैं सेबेस्टियन बेटल, और 4 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं फॉर्मूला 1 में, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है सेबेस्टियन बेटल ने। दोस्तों, एक वर्ष में लगभग 22 रेसें होती हैं जिसमें जो सर्वाधिक रेस जीतता है वही चैंपियन होता है। वर्ष 2021 में जो रेस हुई थी उसमें चैंपियन थे मैक्स वर्स्टापन। अभी तक कुल 14 रेसें आयोजित की गई हैं जिसमें सर्वाधिक 9 रेसें जीती हैं मैक्स वर्स्टापन ने, और संभवतः वर्ष 2022 के भी चैंपियन होंगे मैक्स वर्स्टापन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, नीति आयोग ने 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। भारत में इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में अटल इनोवेशन मिशन
उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में और शुरुआत की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के, सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। और अटल इनोवेशन मिशन के तहत 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को किस भारतीय संस्थान में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सेबी, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी। तो दोस्तों सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक, चौथे पूर्णकालिक, फोर्थ पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अनंत गोपाल कृष्णन को। पहले सदस्य हैं एस के मोहंती, अनंत बरुआ तथा अश्विनी भाटिया, तीन पहले सदस्य, चौथे सदस्य बन गए हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। किस में? सेबी में। सेबी क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापित की गई, हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत में सभी प्रतिभूतियों का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है सेबी। माधवी पुरी बुच वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई की बात करें, आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं एसबीआई के। एलआईसी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी तथा एक इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना हुई वर्ष 1956 में। और एम आर कुमार वर्तमान में एलआईसी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन में दिए गए चारों संस्थान भारत के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान हैं और इन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में हेडक्वार्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत सरकार ने नेपाल के साथ MOU साइन किया है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में। इस MOU के तहत भारत और नेपाल में के वनों, वन्य जीव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली। तो देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है दिल्ली में। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसमें 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के देश भर के सभी छात्र एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस होंगी और दिल्ली में स्थापित किया गया है भारत का पहला वर्चुअल क्लास। दिल्ली के सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों हमने पढ़ा था अभी हाल ही में अनंग ताल लेक है दिल्ली में, उसे ASI के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं शेरशाह, शेरनी, सरदार उधम या 83। तो दोस्तों हाल ही में 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणवीर कपूर को। उनकी फिल्म
83 फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जबकि बेस्ट अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा। तो दोस्तों आपको बता दें, नुआखाई एक कृषि पर्व है, धान की चावल की जब फसल घरों पे आती है और नए चावल खा जाते हैं, नुआखाई मतलब नए चावल खाने की प्रथा होती है और नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा में। नए चावल खाने का प्रतीक होता है यह त्यौहार, 1 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। ओडिशा की बात करते हैं, राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है श्री नवीन पटनायक, श्री गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकर्णिका जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 की शुरुआत कब की गई है? नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2020 की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर। दोस्तों राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यह चलेगा। 2018 में महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित यह कार्यक्रम है राष्ट्रीय पोषण माह। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है यह कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्री स्मृति ईरानी वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा फर्नांडिस हाल ही में वर्ल्ड जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं अपेक्षा फर्नांडिस, इसलिए इनका संबंध है ऑप्शन डी तैराकी से, स्विमिंग से। 8वीं वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया लीमा पेरू में और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं अपेक्षा फर्नांडिस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यमुना कुमार चौबे को निम्न में से किस संस्थान का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं NTPC, NHPC, सेल या CIL। तो दोस्तों यमुना कुमार चौबे, इन्हें NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। इन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC की बात करते हैं दोस्तों, 1975 में स्थापित हुआ राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में, जल विद्युत से संबंधित संस्थान है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ताप विद्युत से संबंधित संस्थान है, स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। गुरदीप सिंह वर्तमान में चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं NTPC के। सेल क्या है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सोमा मंडल वर्तमान में सेल की चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। CIL क्या दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर है कोलकाता। प्रमोद अग्रवाल वर्तमान में CIL के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बाईचुंग भूटिया, कल्याण चौबे, सुनील छेत्री या सौरभ गांगुली। कल्याण चौबे जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी रहे, भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है मोहन बागान क्लब तथा ईस्ट बंगाल क्लब में गोलकीपर रहे कल्याण चौबे को वर्तमान में AIFF
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है और उन्होंने स्थान लिया है बाईचुंग भूटिया का। बाईचुंग भूटिया जाने माने खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। AIF की बात करें तो वर्ष 1937 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत में फुटबॉलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है AIFF। मोहन बागान क्लब के बारे में बात कर लें दोस्तों, 1889 में भारत का बहुत पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, उससे संबंधित रहे कल्याण चौबे। सुनील छेत्री वर्तमान फुटबॉल टीम के कैप्टन तथा भारत की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय कप्तान हैं, क्रिकेट कप्तान हैं और वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारत के फुटबॉल संघ AIFF को कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया था, वापस से बहाली कर दी गई है AIFF की। फीफा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था, स्थापित हुआ वर्ष 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, AICTE के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अनिल सहस्रबुद्धे, जगदीश कुमार, निधि छिब्बर और दिनेश शकलानी। AICTE की बात करते हैं दोस्तों, स्थापित हुई वर्ष 1945 में, उच्च शिक्षा से संबंधित टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित यह संस्थान है। 1945 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अनिल सहस्रबुद्धे इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। अब जगदीश कुमार जो UGC के भी चेयरमैन हैं, UGC की बात करेंगे हम, अब उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है AICTE का। UGC की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में स्थापित हुआ, यह भी उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान है भारत का। निधि छिब्बर CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूली शिक्षा से संबंधित संस्थान है CBSE, स्थापित हुआ वर्ष 1929 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरपर्सन है CBSE की निधि छिब्बर, जबकि दिनेश शकलानी NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं दिनेश शकलानी। 1961 में स्थापित हुआ था NCERT। दोस्तों ये जो चारों मैंने संस्थान बताए ये सभी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और AICTE का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है जगदीश कुमार को, जो UGC के भी चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। NGT ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पश्चिम बंगाल राज्य पर। पश्चिम बंगाल राज्य के खराब अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है NGT ने। NGT क्या है दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT एक्ट 2010 के तहत 2010 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों एक पर्यावरण न्यायालय है, हाई कोर्ट के बराबर इनको शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके भारत में चार रीजनल सेंटर हैं, वो सेंटर हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में, और अभी 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है NGT ने पश्चिम बंगाल सरकार पर। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है कोलकाता। NGT के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। श्रीमती ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों इसके पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ अब क्या बन गए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और जगदीप धनखड़ का स्थान ले लिया है ला गणेशन ने। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा, गोटुमारा, नेउरा घाटी तथा जल्दा पारा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा,
तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को छोड़ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। पांचवें स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी, और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है आईएमएफ द्वारा संकलित जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर। दोस्तों वर्ष 2021-22 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है 8.7% रही है, 2022-23 में 7% अनुमानित की जा रही है कि भारत की जीडीपी 7% की ग्रोथ से बढ़ेगी और भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। दो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को पुरस्कृत करना और उनको सहायता प्रदान करना है। विजेताओं को 1 लाख अमेरिकी डॉलर नकद प्रदान किया जाएगा और यह पहल प्रारंभ की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है श्री बसवराज बोम्मई, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री बाजू भाई बाला। कर्नाटक में हम्पी तथा पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। कर्नाटक में नागरहोल, बानरहट्टा, अंसी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं लिज ट्रस, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कंजर्वेटिव पार्टी के लिज ट्रस और ऋषि सुनक में जो चुनाव हुए उनमें कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और फाइनली विजेता बनी है लिज ट्रस और नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुन लिया गया है। लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री बनी है और उन्होंने जो अभी चुनाव हुए प्रधानमंत्री के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में, इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो ऋषि सुनक जो कि पहले वित्त मिन फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, उन्हें हराकर लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा और हाल ही में इसके शुभंकर मैस्कॉट की घोषणा की गई है। मैस्कॉट है सवज, गुजराती शब्द है, ये होता है इसका हिंदी में अर्थ सावक, और इसकी थीम रखी गई है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत, नवीन राष्ट्र खेलों की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एन वी रमन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ, जस्टिस यू यू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इसके पहले यह नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, अब उनका स्थान ले लिया है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ बनाए गए हैं नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। नालसा की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। इसका उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है। दोस्तों एन वी रमन्ना तात्कालीन अभी इन्हीं का स्थान ले लिया है जस्टिस यू यू ललित ने। 48वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के और 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्यकाल जो होगा वो डी वाई चंद्रचूड़ का होगा। इसके बाद जो अगले बनेंगे वो हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों,
सबसे पहले जानते हैं रैमन मैक्सेस पुरस्कार। तो 2022 में यह 64वां संस्करण था। इनकी स्थापना हुई वर्ष 1957 में और कब से दिया जा रहा है, 1958 से। दोस्तों रैमन मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबल के रूप में भी जाना जाता है। फिलीपींस राष्ट्र के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैक्सेस ने इनकी इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट, पीस तथा इमरजेंट लीडरशिप के लिए प्रदान किया जाता है। भारत की ओर से पहले रैमन मैक्सेस पुरस्कार विजेता थे आचार्य विनोबा भावे, जबकि वर्ष 2022 में सोथियारा छिम जो कि कंबोडिया की हैं, बार्नाडेट फिलीपींस के हैं, मैड्रिड तदारी हटोरी जापान की हैं, गैरी बेंचेगिप जो कि इंडोनेशिया के, इन सभी को, इन चारों को इस वर्ष का रैमन मैक्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशिया के नोबल के रूप में भी यह पुरस्कार जाना जाता है और फिलीपींस में सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबाएँ। धन्यवाद।